ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बहादुरगंज विधायक अंजय नेमी ने बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के लौचा पंचायत का दौरा किया। उसके पश्चात एक सभा को संबोधित किया। सभा में कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ज्ञात हो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने बहादुरगंज से शानदार जीत हासिल किया। उसके बाद से ही लगातार बहादुरगंज विधानसभा के विभिन्न क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के लौचा पंचायत का दौरा कर आम जनों की समस्या से अवगत हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बहादुरगंज विधायक अंजर नाइमी। हम लोग बहुत मोहब्बत से आपको वोट दिए हैं, तो कम से कम हम लोग का शुक्रिया अदा करने के लिए आप पूरी सिलसिला अभी जारी है, जिसमें से तीन चार पंचायत और रह गया है। तो मेरा कोशिश है कि मैं इन सारे पंचायतों का भ्रमण करने के बाद फिर भी इस बीच में मैं वक्त निकाल करके जो हमारी समस्याएं थी, जो हमारे मसाइल थे, उन मसलों पर भी मैं काम करने का काम कर रहा हूँ। मैं पहली बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के विधायक अंजर नेमी ने बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के मिशंद्रा पंचायत का दौरा किया। ज्ञात हो के 52 बहादुरगंज विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के विधायक अंजर नेमी लगातार क्षेत्र का दौरा कर आम जनों की समस्या से अवगत हो रहे हैं। चुनाव के बाद से ही लगातार बहादुरगंज विधायक क्षेत्र का दौरा कर आम जनों की समस्या से अवगत हो रहे हैं। इसी क्रम में बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों का दौरा किया और आम जनों की समस्या से अवगत हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बहादुरगंज विधायक अंजर नेमी, जिसके साथ कई कार्यकर्ता और गांव के लोग मौजूद थे। टेरागाज प्रखंड मुख्यालय स्थित सभाकार भवन में पंचायती राज पदाधिकारी प्रदीप कुमार की अध्यक्षता में प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों के पंचायत सचिव एवं विकास मित्र बीएलओ की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से संक्षिप्त पूर्ण निरीक्षण 2021 एवं आगामी पंचायत चुनाव नियमित मतदाता सूची विखंडन कार्य हेतु निर्देश दिए गए। प्रखंड मुख्यालय में स्थित सभागार भवन में कैंप लगाकर किया जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष मासूम रजा ने बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के बवनगमा पंचायत का दौरा कर आम जनों की समस्या से अवगत हुए। ज्ञात हो के 52 बहादुरगंज विधानसभा से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी ने शानदार जीत हासिल किया है, जिसको लेकर लगातार पार्टी के कार्यकर्ता एवं विधायक क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष मासूम रजा ने बनगमा पंचायत का दौरा कर आम जनों की समस्या से अवगत हुए और लोगों से मिलकर खुशी जाहिर की। प्रयागराज प्रखंड मुख्यालय स्थित सभाकार भवन में सांख्यिकी पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत सचिव के साथ समीक्षा बैठक आयोजित किया। ज्ञात हो के आने वाला पंचायत चुनाव को लेकर ये बैठक आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायतों के वार्डों में वोटर लिस्ट पर नाम को लेकर विचार विमर्श किया गया। सांख्यिकी पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने विकलांग व्यक्ति को ट्राई साइकिल दिया। टेरागाज प्रखंड क्षेत्र के खनियाबाद पंचायत के एहतसाम आलम को सांख्यिकी पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने आवेदन लेकर विकलांग एहतसाम को ट्राई साइकिल दिया। बताते चले कि एहतसाम आलम पिता मोहम्मद मुस्लिम ग्राम पंचायत खनियाबाद लालपानी गांव का निवासी है। ज्ञात हो कि एहतसाम आलम विकलांग है, उनको ट्राई साइकिल की बहुत ही आवश्यकता था। वहीं सांख्यिकी पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने तुरंत एहतसाम आलम को ट्राई साइकिल दिया। ट्राई साइकिल मिलने से एहतसाम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के निशंदरा पंचायत के टंगडंगी के पास प्रधानमंत्री सड़क का रिपेयरिंग कार्य शुरू है। रिपेयरिंग कार्य शुरू होने से पंचायत के लोगों में काफी उत्साह है। ज्ञात हो कि सड़क पहले बहुत ही जर्जर उबर खाबर हो गया था। स्थानीय पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने सड़क का शिलान्यास किया था, जो अब कार्य शुरू हो गया है। कार्य शुरू होने से पंचायत के लोगों में काफी उत्साह है। जल्द ही कार्य पूरा हो जाएगा और लोगों को आगमन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी सड़क निर्माण होने से।